को नमस्कार। इस लाइव वीडियो प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हेलो, लाइव हो गया है यहाँ पे? ये ग्रुप पे नहीं था, टीचर फ्यूचर अदर स्कूल एंटर करके जो ग्रुप है। मैं तो ग्रुप में ही हूँ जो आपने लिंक भेजा था। हाँ लाइव हो गई हूँ मैं, एक बार चेक कर लीजिए। अभी तक तो मुझे कोई कमेंट नहीं दिखा। नहीं, इसमें तो लाइव है और नीचे एंड द वीडियो है। हाँ एक है, मीनू कपूर जी का आ गया, नमस्कार। ठीक है, हम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा आपको आवाज आ रही है कि नहीं। क्या हम शुरू कर सकते हैं? आपको आवाज आ रही है जी। तो आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार मेरा, और आज हम भाषा शिक्षण से जुड़े मुद्दों के बारे में बातचीत करेंगे। भाषा शिक्षण के बारे में बातचीत करने से पहले सबसे पहले ये जानना और समझना बहुत जरूरी होगा कि दरअसल भाषा क्या है। हम जिन मुद्दों की बातचीत करने आज जा रहे हैं उसमें सबसे पहले समझना जरूरी होगा कि हम भाषा किसे कहते हैं। और जब हम अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि भाषा क्या है, तो हम अक्सर ये कह बैठते हैं कि भाषा भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। अब यही एक जो वाक्य है वो जो बार बार हम भाषा को जिस तरह से डिफाइन करते हैं, जिस तरह से परिभाषित करते हैं, तो उसमें यही बात निकल कर आती है कि भाषा भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। लेकिन कभी गौर कीजिए कि क्या ऐसा है? क्या हमेशा भाषा आपके भावों और विचारों को अभिव्यक्त करती है? इसका एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप बहुत समय से लॉकडाउन में बंद हैं, और अब आप लॉकडाउन बिल्कुल खुल चुका है, कोरोना वायरस एकदम समाप्त हो चुका है और आप बाहर जाकर खुली हवा में सांस ले सकते हैं। तो आप अपने बच्चों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ, अपने माता पिता चाचा चाची सबके साथ एक प्रोग्राम देखने का कार्यक्रम बनाते हैं कि हम ये देखने जाएंगे, नाटक देखने जाएंगे। मान लीजिए अगर आपके नाटक में रुचि है तो फिर आपने एक प्रोग्राम बनाया, उसकी टिकट वगैरह सब बुक हो गई और आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और आपसे ज़्यादा आपके बच्चे बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि ये दिन आएगा और हम सब नाटक देखने जाएंगे। आप जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा बंद करने के लिए, तो आपको पता चलता है कि आपके पुराने रिश्तेदार जो हैं गाँव से, वो आए हैं। अब आपके चेहरे पर क्या होगा? आपके चेहरे पर एक मुस्कान होगी, और लेकिन मन ही मन क्या होगा? मन ही मन ये बात आएगी कि बहुत मुश्किल से तो ये कार्यक्रम बना था और ये आज आ गए हैं, इनका आना बहुत ज़रूरी था। थोड़े दिन बाद आ जाते, थोड़े समय बाद आ जाते, अब मैं बच्चों को क्या जवाब दूंगा या माता पिता को क्या जवाब दूंगा, ये तो मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। लेकिन चेहरे पर एक बहुत ही मुस्कान का भाव आपके मन में है। अब आप सोचिए, क्या जो भाषा आप कह रहे हैं कि ये सच में हमारे भावों को सीधे सीधे अभिव्यक्त कर पा रही है? मेरे ख्याल से तो नहीं होगा ऐसा। तो हम ये अक्सर कहते हैं कि भाषा जो है वह भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, तो ये बात अधूरी सी है कि हमेशा ऐसा नहीं होता, बल्कि भाषा हमारे भावों और विचारों को छुपाने का भी माध्यम है। हम जो महसूस करते हैं किसी घटना के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, हम उसे उसी भाषा में या जैसा ऐसा भाव मन में आता है, हम उसे अभिव्यक्त नहीं करते, छुपा लेते हैं।
अब हम ये क्यों छुपाते हैं, यानी कि चेहरे की मुस्कान कुछ और कह रही है लेकिन दिल में जो घट रहा है, दिल में जो हो रहा है या दिल में जो विचार या भाव आ रहे हैं, कौन रहे हैं, वे कुछ और हैं। यानी कि आपके भाव और आपके जो भाषा है वो एक जैसी नहीं है, उनमें कोई तालमेल नहीं है। तो फिर आप झूठ बोलते हैं, नहीं नहीं आइए, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे, आप बहुत समय बाद आए, हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं। और आप फिर इस तरह से एक बहुत ही बनावटी भाषा या बनावटी भावों का इस्तेमाल करके आप सामने वाले को कन्विंस कर लेते हैं कि नहीं, आपका आना उन्हें बहुत सुखद लगा है। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी स्थितियों को साध सकें। यानी कि भाषा हमारे भावों और विचारों की अभिव्यक्ति, भावों और विचारों को छुपाने का भी माध्यम है। वो हमेशा अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बनता, लेकिन हम अपनी भाषा के माध्यम से चीज़ों को साधने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि साधना क्या है? साधना का मतलब ये है कि स्थितियाँ बनी रहें, स्थितियाँ बिगड़े नहीं। हम किसी के प्रति कोई ऐसा विचार या बात न कह दें कि सामने वाले का दिल दुखे, तो हम स्थितियों को साधने की कोशिश करते हैं। इसी बात को हम एक छोटे से और उदाहरण से लेकर समझते हैं। मान लीजिए कि आप रोज समय पर स्कूल जाते हैं और आप प्रेयर में बच्चों के साथ खड़े होते हैं, और एक दिन किसी वजह से आपकी गाड़ी या आपका कार या स्कूटर या बस खराब हो गई अचानक से, और आप स्कूल लेट पहुंचते हैं। उसके स्कूल के गेट पर आपको आपके प्रिंसिपल मिलती हैं। वो आपको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर देखती हैं, और फिर उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है लेकिन सिर्फ सवाल या निशान है उनके चेहरे पर। आप उनका चेहरा देखकर भाप जाते हैं, यानी कि चेहरा देखकर पढ़ लेते हैं उनसे कि आज मामला कुछ गड़बड़ है। और फिर सीधा प्रिंसिपल आपसे कहती है, और अपनी घड़ी देखकर वो बोलती हैं, टाइम हो गया क्या? बस उनका एक ये वाक्य कहना था कि टाइम हो गया क्या, आपके अंदर एक अजीब सा भाव उत्पन्न करता है, वितृष्णा का भाव उनके प्रति जग जाता है कि मैं तो रोज समय पर आती हूँ, आज एक दिन किस वजह से, और बहुत जेन्युइन वजह थी जिसकी वजह से मैं समय पर नहीं आ पाई, और उस पर भी प्रिंसिपल ने मुझे टोक दिया कि समय हो गया क्या। तो अब आप ये देखिए कि अगर प्रिंसिपल ये पूछ लेती कि आप तो रोज समय पर आती हैं, आज क्या दिक्कत हो गई, सब ठीक तो है? अब ये वाली जो भाषा है कि दोनों में ये पता चल पा रहा है कि आप समय पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन दोनों में जो प्रतिक्रिया है और हमारी प्रतिक्रिया में जो हमने शब्दों का इस्तेमाल किया है, हमने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे हम स्थितियों को साध लेते हैं। अगर प्रिंसिपल ये कहती हैं कि समय हो गया क्या, तो फिर स्थिति बिगड़ जाएगी, आप फिर अपने प्रिंसिपल का सम्मान नहीं कर पाएंगे। और अगर प्रिंसिपल ये कह देती कि आज क्या दिक्कत हो गई, आपको सब ठीक तो है, तो आपके मन में उनके प्रति और श्रद्धा भाव सम्मान जग जाता है। तो दरअसल ये कुल मिलाकर भाषा का ही कमाल है कि हम स्थितियों को या तो बिगाड़ सकते हैं या फिर स्थितियों को हम संभाल सकते हैं। तो भाषा काम करती है, भाषा के अनेक काम है। वह विचारने का भी माध्यम है, यानी कि विचार करने का, समझने का, सोचने का भी माध्यम है, स्वप्न देखने का भी माध्यम भाषा बनती है। तो जब हम भाषा के बारे में इस लिहाज से बात करते हैं, तो कुल मिलाकर ये बात समझ में आती है कि भाषा एक साधन है। लेकिन हम पूछते हैं, ये तो भाषा का काम है, भाषा का काम है कि वो अपने भावों, आपके भावों और विचारों को अभिव्यक्त कर सके। ये भाषा का काम है कि आप कुछ विचार कर सके, चिंतन कर सके। ये भाषा का काम है कि आप दूसरे के काम का विश्लेषण कर सके, आप अपने काम का विश्लेषण कर सके। तो ये तो भाषा का काम है। अब हम पूछें कि दरअसल भाषा क्या है, तो हम क्या पर फोकस करना चाहते हैं? तो हम जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, या अभी मैं जिस तरह से बोल रही हूँ और जिस तरह से आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख रहे हैं, तो ये पता चलता है कि भाषा एक व्यवस्था है। और ये अगर व्यवस्था नहीं होगी तो हम अपना अर्थ दूसरों तक संप्रेषित नहीं कर पाएंगे। इसे भी हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जब हम ऐसे बातचीत कर रहे हैं, और ये एक तरफा बातचीत है, मैं मौखिक भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ और आप लिखित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दोनों में एक तरह की व्यवस्था मौजूद है। तो अगर हम कोई बात कहते हैं कि आपका स्वागत है, आइए इस कार्यक्रम में, और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी प्रतिक्रिया, आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा, हमने ये बात कही। अब इस बात में क्या है, हमने कुछ वाक्य इस्तेमाल किए, तो यानी कि भाषा में क्या है, वाक्य हैं। वाक्यों में क्या है, वाक्यों में शब्द हैं। आइए इस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है, हमने इतने सारे शब्दों का इस्तेमाल किया।
अब यहाँ भी व्यवस्था है, अगर ये शब्द एक खास क्रम में, एक निश्चित क्रम में नहीं होंगे तो हम अपना अर्थ संप्रेषित नहीं कर पाएंगे। और इन शब्दों में क्या है, इन शब्दों में ध्वनियां हैं, आइए के लिए आ ई ए, हम इन ध्वनियों को इस क्रम में इस्तेमाल करते हैं। तो हमें ये बात समझ में आती है कि भाषा अपने आप में एक व्यवस्था है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ये नियमबद्ध व्यवस्था जो है हर भाषा में होती है और इसी के सहारे भाषा के माध्यम से हम अपने भावों, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं, हम अपने अनुभूति कर पाते हैं, विचार कर पाते हैं, चिंतन कर पाते हैं, जो कुछ लिखा गया है उसे पढ़ पाते हैं, जो लिखना है वो लिख पाते हैं। तो यानी कि भाषा क्या है, तो इसके दो पक्ष की हम बात करते हैं। तो पहला पक्ष तो है उसका संरचनात्मक पक्ष, यानी कि भाषा बनी कैसे है, भाषा बनती कैसे है, और दूसरा उसका है फंक्शनल एस्पेक्ट, यानी कि भाषा क्या काम करती है। तो जब भी हम चर्चा करते हैं कि भाषा क्या है, तो हम उसके हमेशा फंक्शनल एस्पेक्ट की बात करते हैं, उसका जो प्रकार्यात्मक पक्ष है हम उसकी बात करते हैं, हम उसके संरचनात्मक पक्ष को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं या हमारा ध्यान तुरंत उसकी तरफ नहीं जाता है। तो चूंकि बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक साथी भी देख रहे हैं जो निकट भविष्य में टीचर बनने वाले हैं, टीचर एजुकेटर्स बनेंगे, तो हम जब अपने कक्षाओं में भाषा शिक्षण के बारे में बात करें तो इस सवाल पर बहस करना, इस सवाल पर बातचीत करना और विस्तृत बातचीत बहुत ज़रूरी है। दरअसल जिस विषय के शिक्षण की हम बात कर रहे हैं, हम पहले ये तो जान लें कि वो विषय क्या है, विषय की प्रकृति क्या है, उसका स्वभाव क्या है, और इसके बाद ही हम उसके पढ़ने लिखने की बात कर सकते हैं। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे पहले ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि दरअसल भाषा क्या है। तो भाषा अपने आप में ध्वनि, शब्द और वाक्य और प्रोक्ति की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अब सवाल दूसरा उठता है कि भाषा में इसके अलावा और क्या होता है। तो भाषा में इसके अलावा भाव होते हैं, कहने का तरीका होता है, कहने का अंदाज होता है। जब हम अपनी बात कहते हैं तो हम शब्दों में उतार चढ़ाव करते हैं, कहीं बल देकर बोलते हैं और कहीं हम ज़्यादा समय के लिए रुकते हैं, कहीं शब्दों को लंबा खींच लेते हैं, कहीं शब्दों को बहुत छोटा सा इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पूरे वाक्य का भी इस्तेमाल नहीं करते। यानी कि भाषा में कुल मिलाकर जो शब्द हमने कहे, जो वाक्य हमने कहे, तो उसे हम फर्दर और बांट सकते हैं, उसके हिस्से कर सकते हैं, उसके हिज्जे कर सकते हैं। तो ये खंडेतर स्वनिम कहलाते हैं, यानी कि सेगमेंटल फीचर्स हैं, प्रोक्ति है, यानी कि बहुत सारे संवाद जब हम बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे वाक्य हैं, वाक्य को हमने शब्दों में विभाजित किया, शब्दों में कुछ ध्वनियाँ हैं, हम इस तरह से विभाजन लेकर चलते हैं। लेकिन जब हम अपनी बात कहते हैं तो ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि खंडेतर स्वनिम भी होते हैं, यानी कि जो उतार चढ़ाव है किसी बात को कहने का, जो अंदाज है, ये अंदाज, ये भाव, ये उतार चढ़ाव हमारे कही जा रही बात को और बल देता है। उदाहरण के लिए कि अक्सर आपने सुना होगा कि हम अक्सर लोगों से कह देते हैं कि अगर कोई बहुत ही साधु स्वभाव का व्यक्ति है तो हम ये कहते हैं आप महान हैं, ठीक है, तो आप महान हैं। यहाँ पर बहुत ही फ्लैट इंटोनेशन है हमारा, उतार चढ़ाव बहुत फ्लैट है, इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको नज़र नहीं आया होगा, यानी कि हमने जो दिल से महसूस किया उसे हमने कह दिया कि आप महान हैं। तो सामने वाला व्यक्ति जिसके लिए हमने ये वाक्य इस्तेमाल किया है वो सचमुच में बहुत महान है। अब किसी धूर्त व्यक्ति के लिए हमें कुछ कहना हो और हम सरेआम ये बात नहीं कहना चाहते हैं कि आप तो बहुत धूर्त हैं, तो फिर, और हम ये जानते हैं कि व्यक्ति अपॉर्चुनिस्ट है, अवसरवादी है, ये व्यक्ति अपना काम निकलवा कर भूल जाता है और लोगों का इस्तेमाल करता है और इसके कारनामे बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं, तो हम उस व्यक्ति के लिए भी कह देते हैं कई बार कि आप तो महान हैं। तो अब इसमें आप तो महान, ये जो इंटोनेशन है, ये जो आरोह है, ये खंडेतर स्वनिम कहलाता है, यानी कि इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो हमारी भाषा में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि एक तो क्या कहा जाए और दूसरी बात है कैसे कहा जाए। तो क्या कहा जाए में तो कंटेंट इम्पॉर्टेंट है कि आप जो बात कह रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए आप अपनी बात कह रहे हैं, आप उस पर स्थिर होकर अपनी बात को कह सकें, और दूसरा पक्ष है कि आप उस बात को कैसे कहते हैं। तो कैसे कहने में ये जो उतार चढ़ाव है, ये जो इंटोनेशन है, या बल देना है, या पॉज देना है, या रुककर बात करना है, और जब आप ये इंटोनेशन और बल और पिच टोन का इस्तेमाल करते हैं,
आ गए, तो ये जो हमने बोला है आ गए, ये जो गए में हमने इतनी लंबी तान ली है, ये भी दरअसल हमारे भावों को अभिव्यक्त करती है। एक होता है आ गए तो ये बात समाप्त हो गई, यानी कि हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी के आने से। अब हमने कहा आ गए तो यानी कि हम इस व्यक्ति की बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे और ये व्यक्ति इतनी देर से आए हैं। तो हम जिस तरह से अपनी बात को कहते हैं, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है और अर्थ तक पहुंचने में हमारी मदद करता है। तो इसलिए कंटेंट जिस तरह का है और जिस अंदाज में हम अपनी बात कहते हैं, ये दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है और भाषा में हम दरअसल यही सीखते हैं। दूसरी बात एक ये भी समझने वाली है, जब हम भाषा के मुद्दों की बात करते हैं, कि बच्चे जिस भाषा के परिवेश में रहते हैं उस भाषा को वे अर्जित कर लेते हैं, यानी कि उन्हें बहुत ज्यादा बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ती किसी भाषा को सीखने में, बशर्ते वह भाषा उनके परिवेश में बहुत बहुतायत में मौजूद हो। अगर आप मान लीजिए कि आप पंजाब में रहते हैं, तो लगातार दिन रात आप पंजाबी भाषा सुनते हैं और फिर पंजाबी में ही बोलने की कोशिश करते हैं या पंजाबी में बोलते हैं, या फिर जो हमारे आसपास की चीजें हैं उन्हें पंजाबी शब्द देते हैं। तो हम जिस भाषा के परिवेश में रहते हैं उस भाषा को तो हम अर्जित करते हैं, लेकिन अब उस भाषा का क्या जो हमारे परिवेश में नहीं है लेकिन उसे सीखना है। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं अंग्रेजी का, हम तो पंजाबी भाषी हैं और लेकिन हमें अंग्रेजी भी पढ़नी है, या फिर हम तमिल भाषी हैं और हमें हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़नी है, लेकिन हिंदी सिनेमा की वजह से हिंदी बहुत पॉपुलर है, अंग्रेजी से भी ज्यादा पॉपुलर हिंदी इसी वजह से हो पाई है क्योंकि हिंदी सिनेमा है, हिंदी सिनेमा के गीत है, हिंदी सिनेमा के डायलॉग है। और जब डायलॉग की बात आती है तो शोले के डायलॉग अक्सर सबको याद रहते हैं, कितने आदमी थे। तो ये किसी को हिंदी आए ना आए, लेकिन ये डायलॉग या जो उसने फिल्म पसंद की है या उसे फिल्म पसंद आई है, तो इसके डायलॉग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, वो बोल देते हैं कि कितने आदमी थे। अब तो हिंदी सिनेमा ने हिंदी को बहुत ज्यादा पॉपुलर किया है, और हम अपने हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में भी जाएंगे तो हमें ये पता चलता है कि अंग्रेजी से ज्यादा जो भाषा इस्तेमाल में लाई जा रही है वह हिंदी है। तो हम वापस अपने मुद्दे पर पहुंचते हैं। अक्सर ये बात आती है भाषा शिक्षण के संदर्भ में कि भाषा और बोली में फर्क है, ये फर्क नहीं है। बहुत पहले समय तक ये माना जाता था कि भाषा बोली में फर्क है, और उसके हम तमाम कारण गिना देते थे कि भाषा का जो बोलने का दायरा है वो बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, बहुत लोग बोलने वाले हैं, उसकी एक लिपि है, उसका अपना एक साहित्य है। और अब संविधान की बात करें तो वो 8वीं अनुसूची में भी मौजूद है। तो एक हम ये तर्क देते हैं किसी भी बोली जा रही भाषा को भाषा का दर्जा देने के लिए। अब जिसमें ये सारी खासियत नहीं है, मान लीजिए कि उसमें साहित्य नहीं है और उसमें वह संविधान की 8वीं अनुसूची भी मौजूद नहीं है और उसे बोलने वाले लोग भी ज्यादा नहीं है, तो जो हम भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं कि वह भाषा नहीं होगी, वह बोली होगी। तो भाषा बोली में हम जैसे ही फर्क करते हैं, वैसे ही हम किसी की जो बोल रहा है, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे हम कमतर कर देते हैं, उसे हम डिग्रेड कर देते हैं कि नहीं, खड़ी बोली तो एक भाषा है, या जो भोजपुरी है ये एक भाषा है, या भोजपुरी एक बोली है, या मैथिली एक बोली है, या फिर पंजाबी एक भाषा है, तमिल एक भाषा है, मराठी एक भाषा है, लेकिन कोरकू एक बोली है, जबकि कोरकू भी महाराष्ट्र के एक क्षेत्र में बोली जाती है जो ट्राइबल बेल्ट का एरिया है। तो ये जो भेद करने वाली स्थिति है, ये जो भेद करने वाली मानसिकता है, इसके दुखद परिणाम ही हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहली बात ये समझना जरूरी होगा सभी को जो भाषा शिक्षण का काम करेंगे, या शिक्षक भी हैं या शिक्षक नहीं भी हैं, तो भी ये समझना जरूरी होगा कि लिंग्विस्टिकली या भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो भाषा और बोली में कोई फर्क नहीं है। आप जो बोल रहे हैं उसमें एक व्यवस्था है। अगर हम भाषा की परिभाषा पर वापस पहुंचते हैं कि भाषा क्या है, तो आप कहते हैं कि भाषा एक अपने आप में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अब ये जो नियमबद्ध व्यवस्था है, ये जो कोरकू भाषा है उसमें भी मौजूद है, ठीक है। तो अगर ये नियमबद्ध व्यवस्था कोरकू भाषा में भी मौजूद है, उसका मौजूद होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये मौजूद नहीं होगा तो कोरकू भाषा भाषी एक दूसरे तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाएंगे और दूसरे द्वारा कही गई बात को वे समझ नहीं पाएंगे। अब इस बात से एक और बात निकल कर आती है, और वो बात ये है कि भाषा तो वह है जिसकी लिपि होती है,
और बोली की तो लिपि नहीं होती। तो भाषा और लिपि में कोई बहुत तार्किक संबंध नहीं है। आप दुनिया की किसी भी भाषा को थोड़े बहुत फेरबदल के साथ किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। अब जो बॉर्डर एरिया है, यानी कि मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का बॉर्डर एरिया है हमारे पास, तो जो वहाँ जो भाषा बोली जाती है, अगर वहाँ संथाली भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, तो जो उड़िया क्षेत्र होंगे अगर संथाली भाषा बोलते हैं तो वे उड़िया लिपि में संथाली लिखेंगे। लेकिन अगर वही संथाली पश्चिम बंगाल में बोली जा रही है, जो बॉर्डर एरिया होंगी जहाँ हमें सबसे ज़्यादा बहुभाषिकता मिलती है, तो वे बांग्ला लिपि में लिखेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी बात को, अपनी बात को कहने के लिए, लिखित रूप देने के लिए आप किस लिपि का इस्तेमाल करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपने लिए कोई एक लिपि चुन लेनी है और आप अपनी एक कोई लिपि बना भी सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और आपको ये भी देखना होगा कि जब भाषा का लगातार विकास हो रहा है तो क्या सबसे पहले क्या मौजूद है, तो सबसे पहले तो उसकी ध्वनियाँ मौजूद हैं, यानी कि जो हम बोल रहे हैं और उस बोलने में हम जिन ध्वनियों का इस्तेमाल कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण है। यानी कि भाषा का जो मौखिक रूप है ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और भाषा का जो लिखित रूप है वो समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से हम बना लेते हैं। तो इसलिए लिखित या लिपि को आधार बनाकर भाषा और बोली में भेद करना ये बात सही नहीं है, ये बेहद संकीर्ण मानसिकता की निशानी है। तो अगर हम भाषा की, भाषा क्या है उसकी संरचना के हिसाब से भाषा और बोली में अंतर करना चाहते हैं, तो हमें समझ में आता है कि देश के या दुनिया के भी अलग अलग हिस्सों में हम जिस भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं वे दरअसल भाषा ही है, वे बोली नहीं है। तो भाषा भाषा है और हम उसे बोली कहकर कि ये एक सीमित समुदाय में बोली जाती है या सीमित लोग ही इसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें भेद करना अच्छी बात नहीं रहेगी। और ये दिक्कत वाला मामला भी है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब हम ये कहते हैं कि कोरकू में बात करना नहीं है या फिर किसी और, या कि जौंती में बात नहीं करना है या फिर अंगिका में बात नहीं करनी है, भोजपुरी में बात नहीं करनी, आप तो खड़ी बोली सीखनी है, तो हम बच्चे के मन में कहीं ना कहीं उनकी अपनी भाषा के प्रति ये जो असम्मान की बात है, असम्मान की भावना है या भाव है, ये बच्चे तक अभिव्यक्त हो जाता है। क्योंकि हमारी अपनी भाषा, हमारी अपनी पहचान भी है। अगर आप विदेश जाते हैं और आप लगातार अंग्रेजी बोलते हैं, या फिर वहाँ आप जर्मनी गए तो आप फिर जर्मन भाषा का इस्तेमाल करते, लेकिन मन के किसी कोने में आपकी अपनी भारतीय भाषा मौजूद है, वो फड़कती है, वो बेचैन होती है, वो छटपटाहट महसूस करती है कि मुझे अपनी भाषा में कहना है, लेकिन उसे सुनने और समझने वाला तो कोई भी नहीं है। तो हम जब किसी परदेश में जाकर किसी किसी को खड़ी बोली बोलते हुए सुनते हैं कि यहाँ तो बहुत शानदार हवा चल रही है, और आपने बाजार में घूमते हुए शब्द सुना कि यहाँ तो बहुत शानदार आवाज़, यहाँ तो बहुत शानदार हवा चल रही है, तो आप तुरंत पीछे मुड़कर देखते हैं। लेकिन ये क्यों? क्योंकि यह भाषा आपकी अपनी अस्मिता है, आपको पता चलता है कि अच्छा, मेरी भाषा बोलने वाला कोई व्यक्ति यहाँ मौजूद है, आप तुरंत पीछे मुड़कर देखते हैं और आपकी आंखें खोजती हैं उस व्यक्ति को, यह वाक्य किसने इस्तेमाल किया है। अब आप उस व्यक्ति को नहीं भी जानते हैं, आप हिंदुस्तान के एक कोने में रहते हैं, वह व्यक्ति हिंदुस्तान के किसी दूसरे कोने में रहता है, लेकिन अब भाषा की वजह से आप सब, आप दोनों अब एक ही पॉइंट पर मिल गए हैं कि आप हिंदुस्तानी भाषा बोल रहे हैं। तो भाषा इतना बड़ा मसला है, तो इसलिए और ये भी समझना ज़रूरी होगा कि भाषा हमारी सबकी अस्मिता का मामला है, और अगर हम बच्चों की भाषा को नकार देते हैं, उन्हें सम्मान नहीं देते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनकी भाषा को भी नकार रहे हैं, उन्हें सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। एक और बात हम ये समझ सकते हैं यहाँ पर कि भाषा और बोली में इस लिहाज से भी भेद करना संभव नहीं होगा, क्योंकि हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, हम जो अपने आसपास देखते हैं, ये चाहे नदी हो सकती है, पहाड़ हो सकता है, रेगिस्तान हो सकता है, ऊँट हो सकता है, हाथी हो सकता है, या फिर चमगादड़ हो सकती है, या फिर पानी हो सकता है, तालाब हो सकता है, समुद्र हो सकता है, बर्फ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो हम इन सब चीज़ों को अपने आसपास देखते हैं और अपनी भाषा में इनके लिए हम शब्द इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो यानी कि आपने अपने आसपास नज़र आने वाली चीज़ों को अपनी भाषा में कोई शब्द दिया,
अब वही चीज जरूरी नहीं होगी कि मेरे परिवेश में भी मौजूद हो। अगर मैं राजस्थान में रहती हूँ तो मेरे पास रेगिस्तान बहुतायत में है, दूर दूर तक जो रेत के टीले बने हुए हैं मैं उन्हें लगातार देखती हूँ, और मेरे पास उसके लिए बहुत सारे शब्द भी हैं, और ऊंट भी आ गया उसमें। ठीक है, तो हम ऊंट गाड़ी की बात करते हैं, लेकिन अब आप उस बच्चे के बारे में सोचिए कि जो बच्चा रहता है पहाड़ों पर रहता है, अब उसने रेत नहीं देखी, उसने तो बर्फ देखी है, उसने स्नो देखी है जो पहाड़ों पे जमी रहती है। अब उसके पास उसके लिए बहुत सारे शब्द होंगे, उससे जुड़े हुए बहुत सारे शब्दों का वह इस्तेमाल करता होगा। यानी कि भाषा जो है एक समाज सांस्कृतिक परिवेश का भी मुद्दा है। तो जब हम बच्चों की भाषा को कक्षा में स्थान देते हैं तो हम उनके समाज उनकी संस्कृति को भी क्लास में जगह देते हैं, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि भाषा में हम जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारे कल्चर से जुड़ी हुई चीजें हैं। मान लीजिए कि अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, या गांव भी जहाँ पर मौजूद हैं तो वहाँ चूल्हा भी है, चकला है, बेलन है, और चिमटा है, फूकनी है, जलावन है, तो हम ऐसे शब्दों का बार बार इस्तेमाल करते हैं, या फिर रहट है, ट्यूबवेल में जो पानी निकलता है, या फिर एक रपटा है जहाँ से पानी लगातार बहता है, वहाँ पर एक ऐसे निशान बन जाते हैं कि यहाँ से पानी लगातार बहता है जब बारिश का मौसम आता है तो वो रपटा है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे अपने समाज सांस्कृतिक परिवेश में मौजूद हैं जिनके लिए हम अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो हम जब इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो अपने कल्चर के हिसाब से करते हैं। तो जो चीजें मेरे कल्चर में हैं हम उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो चीजें मेरे कल्चर में नहीं है हम उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, वे हमारे लिए बहुत ही अपरिचित शब्द रहते हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर भाषा शिक्षण का जो मामला है वो पूरा का पूरा हमारे समाज सांस्कृतिक परिवेश से भी जुड़ा हुआ है। तो अब हम भाषा शिक्षण के संदर्भ में एक और मुद्दे की बात करते हैं, और वो यही मुद्दा है कि हम भाषा बोली में कोई फर्क न करें। और इसका एक और छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अविक उड़ान बन सेने, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है अविक उड़ान बन सेने। तो इसमें आप अविक पहचान जाएंगे क्योंकि आप अ बी क यानी कि इस साउंड को, इस ध्वनि को पहचानते हैं। अगर आप खड़ी बोली बोलते हैं तो आप अविक ये ध्वनि से परिचित हैं, फिर आप बन यानी कि ब न से इससे भी परिचित हैं, तो अविक बरान अविक उड़ान बन सेने, अब उड़ान आप इससे भी परिचित हैं, और सेने आप इससे भी परिचित हैं, यानी कि आप ध्वनि के स्तर पर अविक उड़ान बन सेने इससे परिचित हैं। और ये जब आप वाक्य सुन रहे हैं तो हो सकता है कि आपका मस्तिष्क इसे लिखा हुआ भी देख पा रहा हो, यानी कि जो हम ध्वनियाँ इस्तेमाल करते हैं उस ध्वनि के साथ ही एक इमेज हमारे मन में आती है। ठीक है, तो अब अविक नहीं पता कौन है, उड़ान नहीं पता कौन है, बन का मतलब नहीं पता, सेने का मतलब हमें नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम इन ध्वनियों से परिचित नहीं हैं। और तो हम जो बड़े बड़े लोग हैं और हिंदुस्तान के अलग अलग मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी रहते हैं, हम इस वाक्य का अर्थ नहीं समझ पाए कि अविक उड़ान बन सेने का मतलब क्या है। तो सीधा सा मतलब है कि अविक घर नहीं जाएगा। तो अब ये भाषा कौन सी, ये कोरकू भाषा है, एक एक ट्राइबल लैंग्वेज है, लेकिन कोरकू भाषी बच्चे इसे तुरंत समझ जाएंगे कि अविक उड़ान बन सेने का मतलब है कि अविक घर नहीं जाएगा। तो ये फर्क है। तो अब आप ये देख पा रहे हैं कि हम अविक उड़ान बन सेने में चूंकि उसकी ध्वनियां जो हमने इस्तेमाल किए या जिससे हमने शब्द बनाए हैं वे हमारी जानी पहचानी ध्वनियां हैं क्योंकि हम खड़ी बोली बोलते हैं, लेकिन एक तमिल भाषी बच्चा जो है शायद इन ध्वनियों का इस्तेमाल या ये ध्वनियों तक नहीं पहुंच पाए, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट में भाषाएं बोली जाती हैं वहां के बच्चे भी इन ध्वनियों से, ये जो अलग अलग ध्वनियां हैं ब न से न, इन सबसे वो ना भी परिचित हो, लेकिन खड़ी बोली बोलने वाले जो लोग हैं वे इन ध्वनियों को पहचानते हैं। तो अभी कुरान बन से ने वो समझ जाएंगे कि ये कुछ शब्दों का इस्तेमाल है, लेकिन आप इसके अर्थ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कारण ये है कि क्योंकि जो हम शब्द बोलते हैं वह किसी चीज के लिए उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ ध्वनि आकृति संबंध बनता है, यानी कि ध्वनि संकेत संबंध बनता है। हम जो शब्द बोल रहे हैं, मान लीजिए कि हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया चिड़कली, अब ये जो चिड़कली शब्द है इससे हम कोई अर्थ नहीं ले पा रहे क्योंकि चिड़कली तो हमारे लिए बहुत ही अपरिचित शब्द है, लेकिन राजस्थान में रहने वाले बच्चे तो समझ जाएंगे कि आप चिड़िया की बात कर रहे हैं, क्योंकि चिड़िया की जो एक आकृति है
उसके लिए उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया या ध्वनि का इस्तेमाल किया, वो झिड़क ली है। अगर हम कहें ऊंद्रो, तो ऊंद्रो से भी जो खड़ी बोली बोलने वाले या हिंदी भाषी लोग हैं वह ऊंद्रो से कोई किसी हद तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ये समझ में आ जाएगा कि किसी एक चीज का नाम लिया जा रहा है, लेकिन आप उस चीज तक नहीं पहुंचेंगे, यानी कि उस संकेत तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप ध्वनि तो पहचान रहे हैं ऊंद्रो कि ऊंदरो, ये ध्वनि तो है, लेकिन ये ध्वनि आपको अल्टीमेटली लेकर कहाँ जाएगी और किस अर्थ तक लेके जाएगी, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है। तो जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी होगा कि हम जिन ध्वनियों का इस्तेमाल कर रहे हैं ये ध्वनियाँ किन्हीं शब्दों को या किसी चीज की तरफ इशारा करती है, और हर चीज के लिए अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द मौजूद हैं। अब आप सोचिए कि जब हम भाषा के मानक होने का सवाल उठाते हैं या स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज का सवाल उठाते हैं और ये कहते हैं कि भाषा की बस यही एक रूपता ही होनी चाहिए, तो हम भाषा के प्रति न्याय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर हम दुनिया के सभी लोग एक चीज के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल करते। अब ये तो बात और भी दिक्कत वाली है कि हमारे देश में और उनके देश में तो चीजें भी समान नहीं है, तो फिर हम उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे। टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे शब्द भी हमारे शब्द भंडार में शामिल हो रहे हैं, और हो सकता है कि हमारे से आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके पास और भी शब्द भंडार होगा। और ये पूरा जो पूरा का पूरा मामला है वो दरअसल समाज सांस्कृतिक परिवेश का मामला है, जिसे समझने की बहुत जरूरत है। तो अवि कुरान बन सेने का मतलब कोरकू में यही है कि अवि घर नहीं जाएगा, तो एक कोरकू भाषी बच्चा बहुत अच्छे से समझ सकता है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो अब अगर मान लीजिए कि कोरकू भाषा एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन जाती है, ठीक है, और फिर ये कहा जाता है कि अब पूरा जो ज्ञान विज्ञान है या नॉलेज की जो भाषा है अब ये कोरकू रहेगी, अब आप क्या दिक्कत महसूस करेंगे? अब आप छटपटाएंगे कि मुझे तो खड़ी बोली तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ और मणिपुरी आती है, लेकिन कोरकू भाषा मैं कैसे सीखूंगा और कोरकू में समझूंगा कैसे, क्योंकि मैंने तो कभी सुनी नहीं है, या कोरकू भाषा में बोलूंगा कैसे क्योंकि मुझे तो बोलना आता नहीं है। अब आप उस बच्चे की दिक्कत समझिए कि क्लास में जो टीचर है वो मराठी में बात करती है क्योंकि उन्हें कोरकू नहीं आती है, बच्चे कोरकू भाषा जानते हैं क्योंकि वह ट्राइबल एरिया का स्कूल है। अब बच्चे की दिक्कत समझिए कि टीचर मराठी जानती है, टीचर मराठी में पढ़ाएगी और बच्चे मराठी नहीं जानते, बच्चे कोरकू जानते लेकिन टीचर कोरकू नहीं जानती है। तो अब जो हम टीचर और बच्चों के बीच के का जो इंटरेक्शन है, उनके बीच की जो बातचीत है, उस दोनों में एक भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर टीचर भी उसी स्पीच कम्युनिटी की हैं और वे भी कोरकू जानती हैं, तो आप ये देखेंगे कि बच्चे उनके साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। और टीचर तो टीचर है, वो 365 दिन और 24 घंटे का टीचर है, वो कोई नौकरी तक की में बंधा हुआ मामला बिल्कुल भी नहीं है। तो टीचर धीरे धीरे बच्चों की भाषा जो जो वो जानती हैं कि या जानते हैं कि ये बच्चों की भाषा कोरकू है, तो धीरे धीरे अगर हम कोरकू नहीं भी जानते तो बच्चों से हम कोरकू सीख लेते हैं। लेकिन ये कैसे होता है? ये ठीक वैसे ही होता है जैसे हम अपनी भाषा को बोलना सीख गए, भाषा का अर्जन करना सीख गए। तो यहाँ पर एक और संकल्पना हमारे सामने आती है, और वह संकल्पना ये है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, इन दोनों में फर्क होता है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग, इन दोनों में फर्क होता है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन का जो पूरा का पूरा मामला है वह हमारे अपने परिवेश पर निर्भर करता है कि हमारे परिवेश में अगर एक से ज्यादा भाषाएं हैं और बहुत ज्यादा हम उस भाषा को लगातार सुनते हैं और सुनने के साथ साथ हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं, केवल सुनना ही काफी नहीं है, उसका इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। और वो मौके हमें अपने परिवेश में मिलते हैं कि हम जो भाषा सुन रहे हैं या हमारे आसपास जो भाषा बोली जा रही है हम उसे संदर्भ के अनुसार जरूरत के साथ इस्तेमाल भी कर सके, तो धीरे धीरे हम भाषा को अर्जित करने लग जाते हैं, जिसमें हमें कोई बहुत कोशिश करने की जरूरत नहीं, प्रयास नहीं करना पड़ता, अनायास ही होता है, बहुत ही सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है भाषा अर्जन। आप लाख चाहेंगे कि मैं ये भाषा ना सीखूं, ऐसा होगा ही नहीं। आप जिस भाषा परिवेश में रहते हैं ये लगातार जब आप भाषा को सुनते हैं कॉन्टेक्स्ट में सुनते हैं, तो आप न केवल शब्द न केवल वाक्य न केवल संवाद अर्जित करते हैं बल्कि कॉन्टेक्स्ट भी अर्जित करते हैं, यानी कि संदर्भ में जो बात कही जा रही है आप संदर्भ और भाषा आप दोनों को अर्जित करते हैं।
अगर ऐसा नहीं होगा तो अर्थ का अनर्थ होने की संभावना है। एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि आपने एक वाक्य सुना कि जैसे हरियाणा में अगर बड़ा व्यक्ति भी है तो भी उनके लिए हम बहुवचन वाले रूप वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते और तू का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बड़े व्यक्ति हैं, अगर हम दिल्ली या पंजाब की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर भोपाल की बात करें स्पेसिफिकली, तो हम ये मानते हैं कि हमसे जो बड़े व्यक्ति हैं उनके लिए आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हम तू या तुम शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन दोनों ही राज्यों में, दोनों जो समाज सांस्कृतिक परिवेश है उसमें ये मान्य है। अगर आप हरियाणा में रहते हैं और आप ताऊ के साथ तू का इस्तेमाल करते हैं कि ताऊ तू कितने जा रिया से, तो आप आपके जो टोन है और जो तू है, तो किसी भी दूसरे भाषी व्यक्ति को लगेगा कि देखो कितना बदतमीज व्यक्ति है, ये तू का इस्तेमाल कर रहा है और ये ताऊ जी तो बड़े हैं। लेकिन उनके परिवेश में ये वैलिड है, ये मान्य है, ये स्वीकृत है, इसमें कहीं कोई ताऊ जी का अपमान नहीं है। तो हम केवल अगर हमने इसे वाक्य पर ध्यान दिया होता कि ताऊ तू कितने जा रिया से, तो हमें लगता कि ये तो बहुत ही अपमानजनक भाषा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें शिष्टाचार नाम की कोई है ही नहीं, तमीज ही नहीं है, सलीका नहीं है। लेकिन मुझे कॉन्टेक्स्ट भी समझना है कि ये दरअसल हम वाक्य कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पता चला कि अब हरियाणा के एक गाँव में इस वाक्य को सुनते हैं तो वहाँ की तहजीब में ही शामिल है और हम तू करके बात करते हैं। मराठी में भी हम बड़ों से अक्सर तू करके ही बात कर लेते हैं, कोंकणी में भी हम अक्सर बड़ों से तू करके बात कर लेते हैं, लेकिन ये वहाँ मान अपमान का मामला नहीं आता है। तो यानी कि भाषा, हर भाषा की अपनी खास बात है और ये संदर्भ पर निर्भर करता है कि हम किस संदर्भ में किस वाक्य का कैसे इस्तेमाल करें। और जब बच्चे भाषा अर्जित करते हैं तो बच्चे धीरे धीरे वाक्य के साथ, शब्दों के साथ, भाषा के साथ उसका संदर्भ भी अर्जित कर लेते हैं कि मुझे ये बात कहनी है और ये बात नहीं कहनी है, मुझे ये बात इस तरीके से कहनी है लेकिन मुझे ये बात इस तरीके से नहीं कहनी है। अगर मेरा मन बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित है और बाहर बारिश हो रही है और मुझे बारिश में भीगना अच्छा लगता है, लेकिन जो माँ है तो माँ तो माँ होती है, बड़ा दिल कमज़ोर होता है उनका कि मेरा बेटा भीग जाएगा तो उसे बुखार आ जाएगा, तो वो मना कर देगी, लेकिन बच्चा जानता है कि मैं दादी के पास जाऊँ। या जब बच्चों को पैसे चाहिए होते हैं कि मुझे कुछ सामान खरीदना है, मुझे गुब्बारा खरीदना है या खिलौना खरीदना है, तो या खिलौने खरीदने कोई बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेना है उन्हें, तो तुरंत पिताजी के पास जाते हैं कि पिताजी मुझे तो ये चाहिए, ये नया लैपटॉप आया ये चाहिए मुझे, या ये सामान आया है, या ये हेडसेट ऐसे आया है तो मुझे ये सामान चाहिए। तो वो जानते हैं, बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुझे कौन सी बात किससे कहनी है, कौन सी बात मुझे दादी से कहनी है, कौन सी बात मुझे दादाजी से कहनी है, कौन सी बात मुझे मम्मी से कहनी है और कौन सी बात मुझे पापा से कहनी है। और बच्चे भाषा का इस्तेमाल भी स्थितियों को साधने के लिए करते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर मैंने मुझे कुछ सामान चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो वो माँ नहीं दे पाएगी, वो तो होम मेकर हैं, उनके पास तो कहाँ पैसे हैं, वो तो पिताजी कर पाएंगे। तो वो सीधा दौड़ के पिताजी के पास जाता है और ये कह देता है कि पिताजी मुझे ये सामान चाहिए। और अगर कहीं लगता है कि नहीं पिताजी भी नहीं देंगे, मम्मी भी नहीं देंगी, तो बच्चे कहाँ जाते, सीधा वो सीधा अपने दादा दादी के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि देखो पापा ने तो मना कर दिया और दादू, और ये तो मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए और इसके बिना तो पढ़ाई नहीं हो सकती, ऑनलाइन क्लास चल रही है, दादू ये गैजेट तो मुझे चाहिए। अब दादू या दादाजी कहेंगे, अब अपने बेटे को कहेंगे, भाई दिला क्यों देते सामान, इसका पढ़ाई का मामला है। तो अब बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने स्थिति को साधा। अगर वह अपने पिताजी के पास जाता तो पिताजी से कितना भी मनोहार करके बोलता कि नहीं पापा ये तो चाहिए ही चाहिए, या पिताजी ये तो चाहिए ही चाहिए, या अब्बा ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, या अब्बू मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, तो अब्बू मतलब पिघलने वाले नहीं थे। तो बच्चे भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो जानते हैं कि मुझे कौन से किससे क्या बात कहनी है और कहाँ मेरा काम बनेगा। अब ये जो पूरा काम बनने वाला मामला है, ये दरअसल भाषा का इस्तेमाल करना है स्थितियों को साधने के लिए। अब क्या ये हम किसी बच्चे को सिखाते हैं, या आपने हमने अपने बच्चे को सिखाया कि बेटा इस वाक्य का इस्तेमाल आप इस कॉन्टेक्स्ट में करना और इस कॉन्टेक्स्ट में मत करना, जब बहुत ज़्यादा पैसे मांगने होंगे तो पिताजी के पास जाना और मम्मी के पास मत जाना, वो तो जॉब नहीं करती तो उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, ठीक है, या दादू बहुत लाड़ करते हैं तो इसलिए आप अपनी हर ख्वाहिश को वहाँ पूरा करवा सकते हैं। ये हम में से कोई भी बड़ा व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं,
ये बच्चे सीख लेते हैं क्योंकि हम सबके पास भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता है। ये जो भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता हम सबके पास मौजूद है, ये दरअसल करती क्या है? ये चॉम्स्की का सिद्धांत है कि एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हम सबके पास है, जिसका इस्तेमाल करके हम जो हमारे आसपास भाषा बोली जा रही है, हम उसमें से कुछ नियम गढ़ लेते हैं, नियम बना लेते हैं। और हमने बहुत सारे वाक्य सुने, कॉन्टेक्स्ट में वाक्य सुने, और उसके बाद हमने उसके आधार पर दो नियम बना लिए। ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं कि शीला घर जाती है और मदन घर जाता है, तो शीला घर जाती है, रीमा घर जाती है, मदन घर जाता है, हरी घर जाता है, तो हमने ये जान लिया कि जहाँ महिला कोई स्त्री है तो वहाँ हम जाति जाति का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ कोई पुरुष है लड़का है हम वहाँ ताता या जाता जाता का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पूरी बातचीत, इस पूरी भाषा प्रयोग के आधार पर हमारा जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, ये जो भाषा अर्जन क्षमता है, उसने दो नियम बना लिए। अब ये जो नियम बनाए हैं, इसके आधार पर हम बहुत सारे वाक्यों का इस्तेमाल कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। तो दूसरा मुद्दा जो इसी बात से जुड़ा हुआ है, वो यही है कि भाषा अनुकरण के माध्यम से नहीं सीखी जाती है। अगर ये केवल और केवल अनुकरण का मामला होता तो जितना इनपुट होता उतना आउटपुट होता, यानी कि हम जितने वाक्य सुनते उतने वाक्य बोलते। पर हमने वाक्य तो सुने दो, या हमने चार वाक्य सुने, लेकिन हमने दो नियम बनाए और इन दो नियमों के आधार पर हमने 4000 वाक्य बना लिए। तो ये अनुकरण का मामला बिल्कुल नहीं है। कई बार बहुत बहस होती है, जो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाषा के शिक्षक आते हैं उनसे कई बार ये बहस हो जाती है, तर्क वितर्क चलता है कि नहीं अनुकरण का मामला है, हम जो भाषा सुनते हैं हम भाषा वही बोलते हैं, इसलिए अनुकरण का मामला है। लेकिन आप बहुत गहराई से सोचिए कि अगर अनुकरण होता तो हम अनुकरण कहते किसे हैं कि एक लाइन खींची हुई है और हमें इसी लाइन पे चलना है। तो ये अनुकरण का मामला है, आप जैसा कहेंगे हम वैसा वैसा करेंगे, ये अनुकरण का मामला है, इमिटेशन है, हम इमिटेट करते हैं। तो ये इमिटेशन का मामला बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर भाषा अपने आप में पूरी तरह से एक सृजन की प्रक्रिया है। हम इस सृजन में बहुत सारी अपने अंदाज भी तो शामिल करते हैं, जिस अंदाज में, जिस टोन में, जिस इंटोनेशन के साथ जो बात मेरे पिताजी ने कही, मुझे भी अगर वही बात किसी से कहनी है तो मैं अपने अलग अंदाज से वह बात कहूँगी, और मेरी टोन अलग होगी, मेरी पिच अलग होगी, इंटोनेशन भी डिफरेंट हो सकता है। तो ये मामला अनुकरण का मामला नहीं है। तो भाषा अपने आप में पूरी तरह से एक सृजन की प्रक्रिया है, ये हमें समझने की जरूरत है। इसी के साथ एक और सवाल जुड़ा हुआ है, ये है कि जब हम नियम बनाते हैं तो होता क्या है? तो हम जब नियम बना लेते हैं, जिसे चॉम्स्की कहते हैं ये लघु व्याकरण है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम भाषा और सुनते हैं और समृद्ध भाषा हम सुनते हैं, तो हम अपने ही बनाए हुए व्याकरण, अपने ही बनाए हुए नियमों में परिवर्तन करते हैं या विस्तार करते हैं। मान लीजिए कि आपने बहुत सारे वाक्य सुने कि मैंने देखा, मैंने कहा, ठीक। तो आपने ये दो वाक्य सुने, मैंने देखा, मैंने कहा, मैंने दिया और मैंने चलाया, आपने ये वाक्य सुने। अब बच्चा क्या करेगा? उसने ये देखा कि मैंने देखा तो खा आ गया, आ गया, मैंने कहा तो उसमें भी आ गया अंत में, तो फिर वो क्या कहता है बच्चा? मैंने हंसा, मैंने सोया, मैंने तैरा। ये क्या है? ये है नियमों का अति सामान्यकरण, यानी कि ओवर जनरलाइजेशन ऑफ रूल। हम जो नियम बनाते हैं, बच्चे कई बार ऐसा करते हैं कि उस नियम का अति सामान्यकरण कर देते हैं, यानी कि हर स्थिति में वे उस तरह के वाक्य इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी सीधे सीधे अगर अनुकरण होता तो वह कहता मैं हंसा, मैं सोया, मैं तैरा, लेकिन वो क्या इस्तेमाल करता है? मैंने सोया, मैंने हंसा, मैंने तैरा। लेकिन जब वह सुनता है किसी बड़े से कि मैं हंसा, मैं तैरा और मैं रोया, तो फिर बच्चे भी इस मैं को समझना शुरू कर देते हैं। तो वे अपने ही बनाए हुए नियमों में परिवर्तन करते हैं कि नहीं, यहाँ पर जब रोने की बात है, हंसने की बात है, तैरने की बात है, तो फिर वहाँ मैं का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ कोई और दूसरा इस्तेमाल नहीं होगा। अब आप सोचिए, ये सेल्फ करेक्शन की जो टेंडेंसी है, ये भी हमारे बच्चों में मौजूद है। तो अगर हम अपने ही बनाए हुए नियमों में परिवर्तन भी कर रहे हैं, तो ये किस आधार पर हो पा रहा है? कि इसी आधार पर हो पा रहा है कि हम अनुकरण से अलग हटकर सृजन कर रहे हैं। तो
सेल्फ करेक्शन की टेंडेंसी हमारे पास है, हम नियमों में विस्तार कर सकते हैं, नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं भाषा के साथ, भाषा के साथ खेलने का भी आनंद ले सकते हैं। अब भाषा के साथ खेलने का आनंद क्या होगा? भाषा के साथ खेलने का आनंद यही होगा कि आमतौर पर जो शब्द या जो अभिव्यक्तियां हैं वो जिस तरह से रूढ़ हो चुकी हैं तो मन विद्रोही हो जाता है और फिर लगता है कि नहीं, इसको तो तोड़ दिया जाए। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, तो एक उदाहरण है ईर्ष्या शब्द, ठीक है। अब अगर कोई ईर्ष्या शब्द का इस्तेमाल करता है तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, ईर्ष्या तो नहीं करनी चाहिए और ईर्ष्या शब्द तो अच्छा नहीं है, ये नकारात्मक है, नकारात्मक अर्थ देता है, नकारात्मक ध्वनि देता है, ठीक है, तो इससे आप सहमत हैं। लेकिन अगर मैं अपनी दोस्त, ठीक है, उसकी तारीफ करते हुए कहती हूँ कि मीनू, मुझे आपसे बहुत ईर्ष्या होती है, आप इतनी अच्छी गाड़ी चलाती हैं और मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, आप बताइए इसमें क्या है ईर्ष्या में? ईर्ष्या है नहीं, इसमें तो तारीफ है। तो हम भाषा जिस तरह से रूढ़ हो चुकी है उसे हम एक अलग अंदाज, एक अलग कॉन्टेक्स्ट, एक अलग अभिव्यक्ति के माध्यम से जब इस्तेमाल करते हैं तो हम शब्दों के साथ खेलते हैं। जैसे महान शब्द है, अब महान का जो अभिधात्मक अर्थ है वो तो महान और बड़ापन या बड़प्पन या फिर भला व्यक्ति इस अर्थ में है, लेकिन हमने उसके साथ भी तो खिलवाड़ किया और हमने अपने टोन को बदलते, अपने आरोह अवरोह को बदलते हुए कहा कि आप तो महान हैं। तो इस टोन के बदलने से जो महान शब्द का अर्थ है वो तो विपरीत हो गया। तो ये शब्दों के साथ खेलना है, और बहुत छोटे बच्चे जो हैं ये अक्सर शब्दों के साथ खेलने का काम करते हैं। तो बच्चों को ये मौके दिए जाने चाहिए कि वे भाषा का सृजनात्मक इस्तेमाल कर सके, वे भाषा के साथ खेल सके और भाषा को अलग अलग अंदाज में वो कह सके। एक तथ्य की कई अभिव्यक्ति हो सकती है, यानी कि हमें जो बात कहनी है वो कई वाक्यों में कही जा सकती है और एक वाक्य के कई अर्थ हो सकते हैं। तो ये समझने और समझाने वाले के बीच के रिश्ते पर निर्भर करता है कई बार कि जिसने जो बात कही वो सामने वाले ने उसे कैसे लिया। निकल गया तो हाथी निकल गया और नहीं निकलता तो पूंछ में अटक जाती है। तो ये वही है। और हमारी मेंटल स्टेट कैसी है, मतलब हम जिससे ये बात कह रहे हैं उसका, उसके दिमाग की दशा क्या है, वो बहुत उदास है या बहुत परेशान है, दुखी है या बहुत खुश है। तो ये जो हमारा मेंटल स्टेट है, यानी कि जो श्रोता है या जो सामने वाला व्यक्ति है जिससे हम अपनी बात ये कहने जा रहे हैं, उसके मेंटल स्टेट पे भी डिपेंड करता है कि वे आपकी कही गई बात को किस तरह से लेंगे या किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो मेंटल स्टेट को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने कहा था कि भाषा में दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या कहा जाए और कैसे कहा जाए। तो ये निर्भर करता है कि संदर्भ क्या है। अगर कोई व्यक्ति, आपका दोस्त बहुत उदास है तो आप उस उदास स्थिति में उसके मेंटल स्टेट में उससे मजाक नहीं कर सकते कि अरे भाई कुछ नहीं होता, छोड़ो तुम तो, ऐसे दिल से लगा के बैठ गए। अब वो जो व्यक्ति दुखी है बहुत ज़्यादा, अभी उसके मन से पूछे कि वो अभी कुछ सुनने के, कोई मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तो भाषा के माध्यम से ऐसे हम स्थितियों को साधने की कोशिश करते हैं। भाषा और बोली के संदर्भ में एक और बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह यही है कि हम, हमारी क्लास में जो बच्चे मौजूद हैं तो वे बहुभाषिक हैं, यानी कि वे एक से अधिक भाषाओं का इस्तेमाल करना जानते हैं, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना जानते हैं, समझते हैं और अभिव्यक्ति का साधन उन भाषाओं को बनाते हैं। तो ये जो बहुभाषिता की स्थिति है ये हमारी सबकी कक्षाओं में मौजूद है। अब उस स्थिति में क्या होगा जब मेरी भाषा, यानी कि जो मेरी मातृभाषा है, ये लक्ष्य भाषा नहीं है, टारगेट लैंग्वेज नहीं है। जो भाषा हम पढ़ाते हैं या जिस भाषा को हमें सिखाना है ये टारगेट लैंग्वेज कहलाती है, टेक्निकल टर्म है टारगेट लैंग्वेज या लक्ष्य भाषा। तो जो भाषा मेरी भाषा है और कोरकू मेरी क्लास में नहीं पढ़ाई जा रही है लेकिन मराठी पढ़ाई जा रही है, तो मराठी मेरे लिए टारगेट लैंग्वेज है, लेकिन मुझे तो कोरकू आती है और मराठी मेरे लिए फिर द्वितीय भाषा हो जाएगी, तो मैं इसे कैसे सीखूंगा? तो ये जिम्मेदारी आती है टीचर्स पर, ये जिम्मेदारी आती है सोसाइटी पर। तो टीचर की जो खुद की मराठी भाषा है ये बच्चे के लिए एक समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करती है। तो टीचर जिस तरह से मराठी बोल रहे हैं तो उन्हें अपना पेस भी थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो मराठी में बोल रहे हैं और वो धीरे धीरे कोरकू भाषी बच्चे की दिक्कत भी समझने लगते हैं कि
कौन से ऐसे मराठी शब्द हैं जहाँ कोरकू भाषी बच्चे उस अर्थ का वो अर्थ नहीं लेंगे, वो कोई और अर्थ ले सकते हैं। तो हम जिस तरह के बच्चों के साथ रहते हैं, हम धीरे धीरे कोरकू को भी समझने लगते हैं और धीरे धीरे बच्चे हमारी मराठी या हम जिस तरह से जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, भाव भंगिमाओं का इस्तेमाल करते हैं, वे समझ जाते हैं कि टीचर क्या कहना चाह रही है, या इस शब्द को मराठी में ये कहते हैं और को हमारी भाषा में से ये कहते हैं। तो उस बहुभाषिकता में जो खासियत है उसे संबोधित करने की जरूरत है। ये चुनौती हो सकती है किसी के लिए, लेकिन ये अवसर ज्यादा है, ये संसाधन ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर टीचर को भी तो कोरकू समझने जानने का मौका मिल रहा है। आप ये भी सोचिए, और ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि हम सबकी भाषा एक ही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। हम सबकी भाषाएं अलग अलग है, ये हमारे परिवेश पर निर्भर करता है। हाँ, ये अलग बात है कि हम एक से ज्यादा भाषाओं में उतने ही पारंगत हो सकते हैं जितनी हमारी मातृभाषा में हमारी निपुणता है। तो ये निर्भर करता है कि किस भाषा का परिवेश, किस भाषा का जो वातावरण है और उसको इस्तेमाल करने के अवसर है वो हमें ज़्यादा मिले हैं। तो बहुभाषिकता को भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी में एक बात और ज़रूरी ये होगी कि किसी एक टारगेट लैंग्वेज को सिखाने के लिए बच्चे की मातृभाषा की बलि मत दीजिएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम मराठी सिखाना चाहते हैं और बच्चा कोरकू के अंदाज में मराठी बोलता है और हम ये कहें कि नहीं, तुम्हारा उच्चारण शुद्ध नहीं है, तुम्हारा उच्चारण सही नहीं है, या तुम्हारा एक्सेंट सही नहीं है, या तुम जैसे लिख रहे थे ये भी तो गलत लिखा है, तो हम बच्चे की अपनी भाषा की कॉस्ट पर उसे एक दूसरी भाषा पढ़ा रहे हैं। लेकिन बच्चे के पास, बच्चे के ब्रेन में इतनी कैपेसिटी है, अगर उसे वो समृद्ध परिवेश मिलता है, एक से अधिक भाषाओं का समृद्ध परिवेश मिलता है, तो बच्चे का ब्रेन उतनी पैरेलल व्यवस्था बना लेता है भाषाओं की। हम सिर्फ स्विच ओवर करते चलते हैं। इस बात को बड़े बहुत बखूबी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि वे अंग्रेजी भी बोलना जानते हैं, वे मराठी भी बोलना जानते हैं, वे कोरकू भी बोलना जानते हैं, वे हिंदी भी बोलना जानते हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या कि किसी बड़े व्यक्ति ने कहीं औपचारिक रूप से कोई भाषण देना हो, या कोई औपचारिक बातचीत करनी हो, या किसी एक ऐसे व्यक्ति से बात करनी हो जो सिर्फ अंग्रेजी ही समझते हैं, तो वे अंग्रेजी में उनसे बात करते हैं। फिर पता चला कि 2 मिनट में उनके एक साथी आ गए जो सिर्फ कोरकू जानते हैं, तो वे उससे बात करते हुए कोरकू पे स्विच कर जाते हैं। फिर पता चला कि अच्छा, एक और व्यक्ति है, ये तो केवल हिंदी जानते हैं, तो फिर आप उनसे हिंदी में बात करते हैं। तो अब आप ब्रेन आपका देखिए कितना एक्टिव है कि आप अलग अलग स्थितियों में अलग अलग व्यक्तियों से, या एक ही स्थिति में आप जब आप अलग अलग व्यक्तियों को एड्रेस करते हैं तो आप उनकी लैंग्वेज पे स्विच करते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कोड स्विचिंग कहलाती है कि अब अभी आप कोरकू में बोल रहे हैं, अभी आप हिंदी में बोलेंगे, अभी आप अंग्रेजी में बोलेंगे, तो ऐसे आप कोड स्विचिंग करते जाते हैं। तो भाषा जो है लिंग्विस्टिक में, जो न्यूरो लिंग्विस्टिक्स है, यानी कि जो ब्रेन और लैंग्वेज का रिलेशनशिप बनाने वाला जो अनुशासन है, इसे न्यूरो लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। तो ये जो न्यूरो लिंग्विस्टिक्स है वो ये बताता है कि हमारे ब्रेन में इतनी कैपेसिटी है कि अगर आपको छुटपन में ही, यानी कि आप बहुत छोटी उम्र में अगर एक से ज़्यादा भाषाओं का आपको परिवेश मिलता है, भाषा सुनने को मिलती है, इस्तेमाल करने के लिए मौके मिलते हैं, तो आपके ब्रेन में उतनी पैरेलल व्यवस्था है। तो बहुत छोटे बच्चों के साथ उनकी मातृभाषा को कहें कि नहीं, इसे मत बोलो, ठीक है, और यही भाषा बोलो, या अंग्रेजी बोलो, और हिंदी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, तो ये बात सही नहीं है। इससे बच्चों का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि उनके जो सोचने की भाषा है वो तो कोरकू है। अब हम कोई दूसरा व्यक्ति हमसे आके कहे कि आप अब तक तो मराठी में सोचते चले आए हैं, या अब तक आप तमिल में सोचते चले आए हैं, या मणिपुरी में सोचते चले आए हैं, लेकिन अब मणिपुरी में आप नहीं सोचेंगे, आज से आप संथाली में सोचेंगे, तो आप क्या करेंगे? तो आपका दिमाग, हमेशा जो ब्रेन है वो आपकी उसी लैंग्वेज में सोचने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसने उसी में ध्वनि संकेत संबंध बनाए हैं। अब संथाली आपको आती नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? सोचेंगे दिमाग में तो आप संथाली में, या मराठी में सोचेंगे, संथाली आपको बोलनी है तो फिर आप क्या करेंगे कि आप पहले एक भाषा में अपना जो भी आपको कहना है उसका उसका विचार तत्व, जो सामग्री है वो आप बनाते हैं, फिर आपका ब्रेन उसे ट्रांसलेट करता है किसी दूसरी लैंग्वेज में, और फिर आप उसे आर्टिकुलेट करते हैं। तो जैसे जैसे ये परिवेश में समृद्ध भाषा मिलती जाती है, वैसे वैसे ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, इसमें जो ट्रांसलेशन में लगने वाला जो समय है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो अब हम यूँ कह दें कि भाई आज से एकदम मणिपुरी बंद और आप सिर्फ संथाली बोलेंगे,
तो जो मणिपुरी बोलने वाले बच्चे वो चुप हो जाएंगे, उन्हें लगेगा कि मैं ये बात मुझे कहनी है पर मैं मणिपुरी में जितनी अच्छी तरीके से बात कह सकता हूँ, मैं संथाली में उतनी अच्छी तरीके से बात नहीं कह सकता। तो यहाँ उनका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए हम किसी लैंग्वेज को हटाकर कोई दूसरी लैंग्वेज स्टैब्लिश करें ये नहीं होना चाहिए, और ये हो भी नहीं सकता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों के ब्रेन में जो इतनी कैपेसिटी है लैंग्वेज एक्विजिशन की, हमें उस भाषा का माहौल दे दीजिए। तो अगर उसने मणिपुरी भाषा के माहौल में मणिपुरी अर्जित कर ली है, तो वह संथाली, अंग्रेजी या किसी भी भाषा के माहौल में उसका भी अर्जन कर लेगा। तो ये बड़ी बहुत अजीब सी बात है कि जब भाषा सीखना हमारा उद्देश्य नहीं होता है, हम तब सबसे अच्छे तरीके से भाषा को अर्जित कर लेते हैं। तो हम बहुत छुटपन में रहे, बहुत बच्चे रहे, तो हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि नहीं मुझे पंजाबी सीखनी है, क्योंकि मेरे परिवार में पंजाबी बोली जाती है। तो हम ये सोचते नहीं है, कोई बच्चा नहीं सोचता, और ना ही बड़े बच्चे के साथ ये सोचकर कोई व्यवहार करते हैं कि लो बच्चा पैदा हो गया, अब इसे पंजाबी सिखानी है, तो फिर हम उसके लिए क्लास लगाएंगे कि आओ पंजाबी सीखें। हम ये घोषणा अपने घर में कभी नहीं करते हैं, ये सोचने वाली। और बहुत जो बड़े व्यक्ति हैं जब अपने बच्चों से बात करते हैं ना, तो वे हमेशा अ आ ई च प ट क ल इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, वे हमेशा पूरी बात कहते हैं, यानी कि पूरी बात में ही अर्थ है। तो इसलिए ये इसी बात से एक और बात निकल कर जो आती है वो ये है कि भाषा शिक्षण का जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा हमें नजर आता है, या तीसरा बड़ा मुद्दा नजर आता है, वह है ये है कि हमारे हम पढ़ना और लिखना किसे कहते हैं। तो अभी तक हमारी बातचीत हो रही थी कि हम भाषा किसे कहते हैं, भाषा की प्रकृति क्या है, उसका स्वभाव क्या है, इस पर निर्भर करता है कि हमारी कक्षाओं में भाषा शिक्षण का काम कैसे चलेगा। और अब एक और मुद्दा हमारे सामने आता है कि पढ़ना लिखना क्या है। तो पढ़ना को लेकर अलग अलग अवधारणाएं व्याप्त हैं समाज में, अलग अलग टीचर्स, टीचर ट्रेनर्स या टीचर एजुकेटर्स रीडिंग को अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। और हमारी अपनी कक्षाओं में जिस तरह का माहौल है पढ़ने को लेकर, वो पूरा का पूरा माहौल ये बता देता है कि टीचर पढ़ना को किस तरह से देखते हैं। तो अगर हम पढ़ना को ये मानते हैं कि पढ़ने की शुरुआत अक्षर ज्ञान से होती है, तो फिर हम क प च क ट ये जो वर्णमाला है पूरी भाषा की, उसे रटाने में, उसे समझाने में हम ज्यादा समय लेते हैं। और हमें लगता है कि नहीं, पहले ये वर्णमाला सीख जाएंगे, फिर मात्रा सीख जाएंगे, और फिर इसके बाद वे भाषा को बोलना पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है, वो बताता है कि हमारी पढ़ने की अवधारणा अगर बेहद संकीर्ण है और गलत अवधारणा है, तो हमारी कक्षा में भी वही प्रोसेस चल रहा होगा। लेकिन अगर हम ये सोचें कि जब हम कोई भाषा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अर्थ मौजूद है, यानी कि हम कोई भी बात जब कहते हैं तो उसमें एक अर्थ मौजूद होता है, जब सामने वाले से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ बोलेंगे हमसे, तो वो भी हम सोचते हैं कि ये कोई अर्थपूर्ण बात ही करें। तो अर्थ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पढ़ने का प्रोसेस तो तब से शुरू हो जाता है जब हम अर्थ ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। अब आप बहुत छोटे बच्चों को देखिए, बहुत छोटे बच्चे अभी जो भाषा का लिखित रूप है उससे उतना ज़्यादा परिचित नहीं है, तो वे अपने आसपास क्या देखते हैं, वो अपने आसपास बहुत सारा सामान देखते हैं, लेबल देखते हैं, पैकेट पे कुछ लिखा हुआ है ये देखते हैं, और दुकान में जाते हैं तो अपनी पसंद की चॉकलेट, अपनी पसंद के बिस्किट, अपनी पसंद की नमकीन, और न जाने दुनिया भर की कौन कौन सी चीज़ें वो जो खाते पीते रहते हैं। उन्हें मालूम है कि वे अक्सर जिस दुकान पे जाते हैं तो उन्हें ये पता रहता है कि इस दुकान में उनकी पसंद का सामान कहाँ पर है और ये कौन सी चीज़ है। अब एक उदाहरण लेते हैं चिप्स का। तो बच्चे अंकल चिप्स खाते हैं, या उसमें मसाला भी है, या उसमें टमाटर का टेस्ट होगा, या सॉल्ट होगा, या प्लेन होगा, ऐसे तमाम तरह के चिप्स जो के पैकेट हैं वो पहचान लेते हैं। ठीक है, मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं चिप्स खाती नहीं हूँ। तो बच्चे ये जान जाते हैं कि मेरी पसंद की चीज़ इस शेल्फ में रखी है, और इसका ये रैपर होगा, इसका ये लिफाफा होगा, तो वो उससे पहचान लेते हैं कि ये अंकल चिप्स है, या ये कुरकुरे है, या फिर अब न जाने कौन कौन से खाने पीने की चीज़ें आ गई, तो वो पहचान लेते हैं। तो ये क्या है, ये दरअसल पढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। तो पढ़ना जो पूरा प्रोसेस है वो एक मीनिंगफुल प्रोसेस है। और अगर बच्चे अपने आसपास की चीज़ों को देखकर, अखबार को देखकर, चित्रों को देखकर कुछ कहते हैं कि अच्छा देखिए ये तो चांद लिखा है, या ये मैगी का M लिखा है, या फिर कुरकुरे का K लिखा है, कैडबरीज का Q लिखा है,
तो बच्चे धीरे धीरे पहचानना शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं कि ये चीजें, ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है दरअसल ये सामान, ये बात कही गई है। तो पढ़ना अपने आप में एक अर्थपूर्ण प्रक्रिया है, एक रचनात्मक प्रक्रिया है, और पढ़ने की शुरुआत तो तब से हो जाती है जब हम चीजों को देखकर उसका अर्थ गढ़ना शुरू कर देते हैं। इसमें एक और बात महत्वपूर्ण आती है, वो यही है कि एक 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 शब्द का, एक वाक्य का, या एक टेक्स्ट का, एक कहानी का, एक कविता का कोई एक अर्थ नहीं होता। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें क्या पसंद है, तो ये हमारी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है कि हमें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, हमारा टेम्परामेंट किस तरह का है, या हमारी शख्सियत किस तरह की है, तो उसी हिसाब से हम चीज़ों को पसंद करते हैं और अर्थ निकालते हैं। तो किसी भी टेक्स्ट का कोई एक सतही अर्थ भी हो सकता है और किसी भी एक टेक्स्ट का बहुत गहरा अर्थ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए आपने और हमने सबने शायद दो बैलों की कथा ये पढ़ी होगी, प्रेमचंद की बहुत मशहूर कहानी है दो बैलों की कथा। तो हम जब बहुत छोटे थे तो हम चौथी क्लास में इस कहानी को पढ़ते थे, और आज ये कहानी 9वीं 10वीं क्लास में लगी हुई है, उसके पाठ्यक्रम में शामिल है। अब सोचिए क्या फर्क है दोनों में, यानी कि जब बहुत छोटे बच्चे इस कहानी को पढ़ते हैं तो शायद वे सतही स्तर पर उसका अर्थ लेते हैं कि ये कहानी केवल और केवल दो बैलों की कहानी है, लेकिन जब 9वीं कक्षा के बच्चे इसे लेते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, ये तो दो बैलों की नहीं बल्कि दो बैल अपने आप में प्रतीक हैं, एक नरम दल का और एक गरम दल का प्रतीक, और आजादी के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो ये अर्थ निर्भर करता है कि हम, हमारा चिंतन का स्तर क्या है। तो पढ़ने की शुरुआत जो है अक्षर ज्ञान से नहीं होती है, सार्थक सामग्री का इस्तेमाल करके हम पढ़ना बच्चों को सिखा सकते हैं, या पढ़ना सीखने में उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ महत्वपूर्ण है। अब यही बात हमारे लिखने पर भी लागू होती है कि लिखना क्या है। तो लिखना भी अपने आप में एक अर्थपूर्ण प्रक्रिया है, और लिखने की शुरुआत तब से हो जाती है कि जब हम कागज़ पर, दीवारों पर, और हमारे दीवार के जो कोने हैं या जो दरवाजे के पीछे का हिस्सा है जहाँ अक्सर बड़ों की नज़र नहीं जाती है, बच्चे ऐसे कोने ढूंढते हैं और वहाँ पर वो लिखने की कोशिश करते हैं। वो कॉपी छोड़कर, पेपर छोड़कर दीवार पर लिखना पसंद करते हैं। सोचिए क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता है उसे लिखने के लिए, कोई अड़चन नहीं है उनके लेखन में, उनका हाथ कहीं से कहीं मूव कर सकता है, वो कितना भी स्पेस ले सकते हैं। कागज की या पेपर की अपनी लिमिटेशन है, उसकी बाउंड्रीज हैं, लेकिन दीवार की उस लिहाज से कोई बाउंड्री, कोई सीमा हमें नजर नहीं आती है। तो लिखने में भी अर्थ महत्वपूर्ण है, और जब बच्चे कागज पे कुछ उकेरते हैं कि एक उन्होंने बड़ा सा गोला बनाया, गोले के अंदर एक डॉट लगा दिया, तो वो कहेंगे कि आसमान है और आसमान में पक्षी उड़ रहा है। या बच्चे बहुत छोटे 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 गोले बनाते चले जाएंगे और फिर उनसे पूछा जाएगा कि अच्छा बताओ ये क्या बनाया है, तो वो कहेगा कि तो मैंने तारे बनाए हैं या स्टार्स बनाए हैं। तो आपको बच्चे का जो बनाया हुआ है उसमें कोई अर्थ नजर नहीं आ रहा, लेकिन बच्चे के लिए अपने बनाए हुए में एक अर्थ मौजूद है। तो ये हम बड़ों की जरूरत है कि हम बच्चों के लेखन में उनके अर्थ को खोज सकें, और ये तभी संभव हो पाता है जब बड़े बच्चों के साथ लगातार बातचीत करते हैं। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, और इसके साथ साथ तो ये समझना बहुत जरूरी है कि भाषा की एक व्यवस्था होती है, हर भाषा की अपनी एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को पहचानने की जरूरत है। एक और इसमें बात समझ में आती है, और ये है कि व्यवस्था की जब बात करते तो हर भाषा की अपनी एक खासियत है, और ये खासियत किसी एक भाषा से मेल खा भी सकती है और एक भाषा से मेल नहीं भी खा सकती है। जैसे हम एक और उदाहरण लेते हैं, रामचा भाऊ आला आहे और रामची बहिण आला आहे। अब ये मराठी का वाक्य है, रामचा भाऊ आला आहे और रामची बहिण आला आहे। तो राम का भाई आया है और राम की बहन आई है। तो अगर हमें ये पता चल जाएगा कि मराठी में इस वाक्य का ये मतलब है कि राम का भाई आया है, तो हम तुरंत अपनी हिंदी से उसे कंपेयर करके देखेंगे कि रामचा भाऊ और रामची बहन, यानी कि जब हम हिंदी में का और की का इस्तेमाल करते हैं, मराठी में उसके लिए चा और ची का इस्तेमाल है। तो ये किसने बताया? ये आपके ब्रेन ने बताया। आपके पास जो लैंग्वेज एक्विजिशन की जो कैपेसिटी है, जो जमदार क्षमता है, आपका दिमाग तुरंत नियम खोजता है कि इसमें क्या नियम है। ठीक, तो हमें बच्चों को ये मौके देने चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भाषा के समृद्ध परिवेश में रहें और लगातार भाषा को सुने, उसका इस्तेमाल करें, और बच्चों को भाषा का इस्तेमाल करने के मौके भी हमें देने होंगे।
और इसी तरह से हम अपने लर्निंग आउटकम्स को भी देखते हैं, जहां हमने बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए भाषा का इस्तेमाल करने के अवसरों की बात की है और ये समझाने की कोशिश की है कि दरअसल भाषा शिक्षण क्या है। तो बच्चे तो जब क्लास वन में आते हैं या प्री स्कूल में भी आते हैं तो अपनी भाषा के साथ आते हैं, तो फिर हम पूछेंगे कि अच्छा अब हम क्यों हिंदी सिखा रहे हैं या मराठी क्यों सिखा रहे हैं, बच्चे तो मराठी समझ के आते हैं। तो फिर यहाँ समझने की बात है कि बच्चों को अलग अलग संदर्भ में प्रभावी भाषा का इस्तेमाल करने के जो मौके हैं हम उसे देने की कोशिश करते हैं अपने पाठ्यक्रम के जरिए। तो अभी वह घर में रहता है और घर में रहने के कारण उसके पास सीमित संदर्भ हैं, लेकिन जब वह बड़ा होगा उसे भाषा का, वो जब बड़े संदर्भ में जाएगा, बड़े समुदाय में जाएगा और लोगों से बातचीत करेगा, तो उसके पास वह शब्द भंडार होना या वो जो बात कहने की कला है वो होनी बहुत ज़रूरी है। तो हम कैसे कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम पढ़ने लिखने की बात करते हैं। हम जितना अधिक पढ़ते हैं हमारे लेखन में, हमारे बोलने में उसका फर्क नज़र आता है। तो अगर हम पढ़ते हुए कोई एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए कि हमने शब्द इस्तेमाल किया हृदयस्थ, ठीक है, कि हृदयस्थ प्राण यानी कि हृदय में बसे हुए प्राण। अब ये शब्द आपने कहीं पढ़ा और आपको इतना खूबसूरत लगा कि अब आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं कि हृदयस्थ प्राण। तो जब आप बोलते हैं, जब आप लिखते हैं तो आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं हृदयस्थ प्राण का, तो ये कहाँ से आया, ये हमें पढ़ने से मिला या सुनने से हमें शब्द मिलते हैं और हम उसे कॉन्टेक्स्ट में ही समझते हैं। तो भाषा शिक्षण से जुड़े हुए कुल मिलाकर यही मुद्दे समझ में आते हैं कि हम जिस विषय को पढ़ा रहे हैं सबसे पहले उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव जानना बहुत ज़रूरी है कि वो है क्या। भाषा परिवर्तनशील है इसलिए उसे बांध कर रखना सही नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि हम पढ़ने लिखने की जो बुनियादी अवधारणाएं हैं उन्हें सही करें कि वह अर्थ के लिए हैं, अर्थ से ही शुरू होती हैं, इसलिए अर्थपूर्ण सामग्री से हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं, न कि वर्णमाला या लिपि चिन्हों के पहचान से हम उसे शुरू करेंगे। तीसरा सवाल आता है बच्चों की अपनी भाषाओं का, उन्हें क्लास में स्थान देना, उनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है और जब ज़रूरत होगी तो वे दूसरी भाषा भी सीख जाएंगे। और अगली बात यह है कि जब हम भाषा का आकलन करें तो बस इन सब बातों का ध्यान हम रख लेंगे। तो कुल मिलाकर हमारी बातचीत में यही आज कुछ मुद्दे शामिल थे और मैं अपने सभी दर्शकों का, जो हमारी जो ऑडियंस है जो लगातार सुन रही है, पेशेंटली सुन रही है, मैं उन सभी का अपने हृदय से, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और उम्मीद है शायद आपको इस पे कोई काम की बात नज़र आई होगी। तो साधु ऐसा चाहिए जैसे सुबह सुबह सार सार को दही रहे थोता दही उड़ाए। तो जो आपको अच्छा लगा हो उसे आप ले लीजिएगा और जो नहीं अच्छा लगा होगा उसे इसी फेसबुक पर पटक कर बंद कर दीजिएगा। तो मेरी बातचीत यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार। नमस्ते।